अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज से कुछ रोज़ कबल मैं हनीफ साहब के पास आया। हनीफ साहब क्राइकर अच्छा चलाते थे उस रक्शे से अपने घर का रोज़गार चलाते थे। लॉकडाउन के दौरान इनके जो मालिक थे उन्होंने इनसे रक्शा ले लिया और इन्होंने अपनी दो बेटियों का निकाह किया। एक बेटी को महज एक सूट देकर रुख्सत किया और दूसरी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से ये उसे रुख्सत नहीं कर सके। तो मैं इनसे मिला, मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि मैं आपकी बेटियों के लिए जहेज का मुकम्मल इंतज़ाम करूँगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकी बेटियों के लिए जहेज का मुकम्मल इंतज़ाम किया और आज इनकी जो दूसरी बेटी है आज वो रुख्सत हो रही है। तो मैं हनीफ साहब से बात करता हूँ, हनीफ साहब से पूछता हूँ। एक बाप के लिए दुख का लम्हा ज़रूर है कि इनकी बेटी घर से जा रही है, लेकिन इनके लिए खुशी का लम्हा भी ज़रूर है कि इनकी बेटी खुशी या अपनी बेटी को अच्छे तरीके से घर से रुख्सत कर रहे हैं। तो हनीफ साहब से बात करते हैं, हनीफ साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा हनीफ साहब, बताएं, हम आपके पास आए थे, आपकी बेटी एक का निकाह हो चुका था और रुख्सत हो गई और इसे आपने उसे महज एक सूट दे कर रुख्सत किया। हमने आपको यकीन दिलाया कि हम आपकी बेटियों के लिए जहेज का मुकम्मल इंतज़ाम करेंगे, इस हवाले से आप बताएँ। मैंने अपनी पहले एक बेटी को रुख्सत किया जी, एक जोड़े के अंदर उसको रुख्सत किया, और दूसरी बेटी के लिए मैं फ़िक्रमंद था और रात दिन मैं परेशान था कि इसके लिए जहेज का जो है ना वो कैसे बंदोबस्त करूँ जी। अल्लाह पाक ने मुझे ये हसनैन भाई से मिलाया। हसनैन ने जो है ना जी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ और फ़िक्रमंदी से जो है ना जी ये हमारी फ़िक्र की और मेरी बेटी के लिए तमाम वो चीज़ें जो इसने बताई वो इन्होंने अपनी मेहनत और कोशिश से जो है ना वो इसको हम दे रहे हैं। और अपनी इस बेटी को मैं उस पूरे जेज के साथ जो है ना जी अपने घर से रुख्सत कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, इसके अलावा बताएं, जब आपने अपनी पहली बेटी को रुख्सत किया तो देने के लिए कुछ भी नहीं था आपके पास। मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ कि एक बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को अच्छे तरीके से रुख्सत करें, लेकिन आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो कैसा क्या वक्त था वो? बस हम दोनों मियाँ बीवी इस फिक्र में थे जी कि हम रोते भी थे, हमें रोना भी आता था कि भी हम अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सके। नहीं सब, ये बताएं, जब आपने अपनी पहली बेटी को रुख्सत किया, देने के लिए कुछ भी नहीं था आपके पास, तो क्या लम्हा था वो? बस ये बताने के लिए अल्फाज नहीं है जी। हम पूरे घर वाले रो रहे थे इस बात पे कि हम हमारी बेटी जो है वो बग़ैर सामान के और बग़ैर चीज़ों से जा रही। तो ये मेरी दूसरी बेटी जो है ना ये बहुत रोई, इसने मुझे बताया कि मैंने अबू जो है ना वो बग़ैर सामान के नहीं घर से जाना, आप जैसे भी करें मेरे लिए सामान बनाए। तो इसमें स्नैन से मेरी अल्लाह ताला ने मुलाकात कराई, ये अल्लाह ने कराई। तो भी स्नैन ने भी हमारे साथ बहुत तावन किया और पूरी जिम्मेदारी के साथ, जैसे किसी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने हमारे साथ तावन किया और लोगों तक हमारी बात को पहुँचाया और दूसरे लोगों ने हमारी बहुत मदद की। और उस मदद से जो मैं अपनी बेटी की जो है ना जो चीज़ें इसने मुझे बताई थी जहेज के लिए वो इसका देकर मैं रुख्सत कर रहा हूँ। तो जी मैं इसके लिए ये तमाम अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से जो आपने मेरी मदद की और मैं खड़ा हुआ, आपने मुझे गिरे हुए को उठाया, मैं आपके लिए तमाम ज़िंदगी जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं आपसे आपके लिए दुआ अल्लाह पाक से करता रहूँगा कि अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी कामयाब करे और आखरत में भी कामयाब करे। नाज़रीन, मैं जब इनके पास आया, जब इनकी फरियाद सुनी तो ये मेरी भी बहन है, मेरा भी दिल किया कि ये मेरी बहन अच्छे तरीके से रुख्सत हो। जहेज़ का जितना सामान होता है, एक बेड से ले कर पेटी सेट, जितना बर्तन कपड़े हर चीज़ का इंतज़ाम किया अपने इस बहन के लिए। तो मैं इनकी वालदा से भी बात करता हूँ, इनकी वालदा से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं, आज हमारी बहन आपकी बेटी आज घर से रुख्सत हो रही है और अच्छे तरीके से घर से रुख्सत हो रही है, तो क्या है? जी मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे मेरी बेटी की ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक ने हसनैन को हमारे लिए ज़रिया बनाया दुनिया में। हसनैन को अल्लाह पाक दुनिया आखरत में इज़्ज़त अता करें, उनके लिए दुआ करें जिन्होंने जो हमारे साथ तावन करते हैं और हम ऐसी कई बेटियों के घर अच्छे तरीके से उन्हें रुख्सत करते हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे उनके लिए कि जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, कि हमने अपनी बेटी हमारी मदद की कि हम अपनी बेटी को अच्छे तरीके से रुख्सत कर सकें।
मैं उनके लिए दुआ करूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको कामयाबी और कामरानी नसीब करे। और हसनैन के लिए भी मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, दुनिया जहान की खुशियाँ अता करे। हाँ जी, मेरी भी बहन है तो मेरा भी फ़र्ज था कि मैं अपनी इस बहन के लिए जो मुमकिन हो सका मैंने कोशिश की, और आज इस ये मेरी बहन घर से जा रही है। मेरी दुआ है कि ये मेरी बहन जहाँ जाए अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, आप लास्ट पे बताइएगा। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि मैं इनके लिए जहेज़ की अपील की, इनके लिए जहेज़ का बंदोबस्त किया। इसके अलावा ये डिसेबल हैं, ये देख सकते हैं, ये चल नहीं सकते सही तरीके से, ये तो मैं इनके लिए रक्षे की भी अपील की कि इनके लिए रक्षा दिलाया जाए, इन्हें नया रक्षा दिलाया जाए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मज़ीद डोनेशन करें ताकि हमें एक नया रक्षा लेके दें, और इनकी जो दो छोटी बेटियाँ हैं उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, अच्छे तरीके से घर का गुजर बसर कर सकें। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं जी? इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हसनैन जो है जी, माशाल्लाह ये बहुत ज़िम्मेदारी से ये काम कर रहा है जी, इन्हें अल्लाह पाक और भी इसी तरीके से ये काम करने की तौफीक देता रहे जी। कितनी बेटियों का ये दिल के खुशी का ज़रिया बनता है, और ये हसनैन जो है जी ये ज़िम्मेदार इंसान है और ईमानदार है जी, और इसने बहुत ईमानदारी के साथ हमारे साथ मामलात किए हैं जी, हमारी मदद की है और कराई भी है जी। नाज़रीन, मैंने इनके लिए रक्षे की भी अपील की थी, इनकी बेटियों के लिए जहेज़ का जो मैंने अपील की वो मैंने इनकी बेटियों को दिला दिया। अब क्योंकि ये डिसेबल हैं, ये चल नहीं सकते, तो मेरी अपील है कि इनके लिए मज़ीद डोनेशन दें ताकि हम इन्हें एक नया रक्षा ले कर दें, ताकि ये जो अपनी जो दो छोटी बेटियां उनका गुजर बसर ये अच्छी तरह कर सकें, अपना घर का निज़ाम अच्छी तरह चला सकें। इसी वाले से भी मैं इनसे पूछता हूं, तो किस तरह गुजारा हो रहा है? मैं हसनैन का शुक्रिया अदा करता हूं जी। आइंदा जो भी मेरे साथ मामलात आप करना चाहते हैं, आप हसनैन के साथ बात कर लें, या आप जो भी कुछ देंगे ये हसनैन मुझे मेरे तक पहुँचा दें। जी ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर। जी नाज़रीन, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आज हमने अपनी एक बहन को, इनकी बेटी को रुसत कर दिया अच्छे तरीके से। आप लोग मज़ीद हमारे साथ तआवुन करें ताकि हम ऐसी सैकड़ों बेटियों को अच्छी तरह रुसत कर सकें, ऐसे सैकड़ों लोगों को हम स्टैंड कर सकें, ऐसे सैकड़ों लोगों को हम अच्छा रोज़गार दे सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह। ये वो सारा सामान है जो हनीफ़ साहब की बेटी को दिया गया, तो मैं हनीफ़ साहब से बात करता हूँ, हनीफ़ साहब से पूछता हूँ वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना सामान मैं अपनी बेटी को दे सकता हूँ। ये हसनैन की वजह से, इसकी बरकत से जो है ना जी। नहीं नहीं जी, अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की वजह से है। हाँ जी, तो उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमारे साथ आमन करते हैं। हाँ, हमारी कोशिश है कि ऐसी सैकड़ों बेटियों के घर हम बसाएं, ऐसी सैकड़ों बेटियों को हम जहेज दें जिस तरह हनीफ साहब की बेटी को दिया गया। हनीफ साहब क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहिए जी, जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ है जी, कि वो हम उसको कुछ नहीं दे सकते थे, लेकिन वो मेरी बेटी तो चाहती थी ना कि कुछ ना कुछ दें, तो इसलिए देना चाहिए जी, बेटियों को कुछ ना कुछ देना चाहिए जी। हाँ जी नाज़रीन, आप हमारे साथ तआवुन करें ताकि हम आइंदा भी मज़ीद लोगों की मदद कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।